वेलकम टू आवर वीडियो गाइस। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है एयर वॉशर। सबसे पहले आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो एयर वॉशर होता है उसको एयर को क्लियर करने और अपने हिसाब से कंडीशन करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखने वाला डिवाइस होता है जिसको हम अपने द्वारा यूज़ की जाने वाली एयर को जर्म्स फ्री, बैक्टीरिया फ्री, और जैसे हमारे घर में पेट्स रखे होते हैं तो उनके जो हेयर्स होते हैं वो भी एयर में आ जाते हैं जो हल्के होते हैं, तो उनको भी ये एयर में से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा इसके और यूजेस की बात की जाए तो ये हमारी एयर में ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन और एयर को ठंडा या गर्म करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पहले एयर वॉशर को यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी ये सारे वर्ल्ड में यूज़ किया जाने लगा है। इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो चलिए इस डायग्राम के द्वारा हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो हमारी एयर है वो एक साइड से इन हो रही है और दूसरी साइड से आउट हो रही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप नीचे देख रहे होंगे कि पंप लगा हुआ है, तो वो पंप नीचे से पानी लेकर उसके आगे जो कूलर या हीटर लगा होता है उसके तरफ भेजता है, तो यहाँ से पानी ठंडा या गर्म होके आगे चला जाता है। ये ठंडा या गर्म होने का क्या कारण होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद ये पानी ऊपर जाता है और ऊपर से नोज़ल से स्प्रे होता है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये वाली है ये एयर अंदर जा रही है, यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि ये एयर जब आगे जाता है तो ये यहाँ से वाटर स्प्रे होता है नीचे, और ये नीचे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ से जब एयर इस साइड को आती है तो ऊपर से जो हमारा ठंडा या गर्म पानी होता है वो इन ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पे आता है, और देन जो हमारी एयर होती है और हमारा वाटर होता है वो कंटेक्ट में आते हैं, तो इसी से हमारी ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, एयर का हीट एक्सचेंज, और जैसे कि मैंने बताया था कि एयर की क्वालिटी को इनक्रीज़ किया जाता है, तो वो भी यहीं पर होता है। और इसके बाद जो हमारी एयर है वो दूसरी साइड से आउट हो जाती है, और इसके बाद वो एयर जैसे आप देख रहे हैं कि जिस साइड से एयर बाहर जा रही है उस साइड पे डक्ट लग जाती है, तो डक्ट से हम जहाँ चाहें वहाँ हमारी फ्रेश की हुई एयर को ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हमारा ठंडा या गर्म पानी होता है वो ऊपर से ड्रिफ्ट एलिमिनेटर पे आता है। अगर आपको नहीं पता कि ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होता है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कूलिंग टावर के बारे में भी बताया है, और उसमें मैंने ये भी अच्छे से बताया कि ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होता है और वो किस काम में आता है। और मैंने इस वीडियो में कहा था कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि जो हमारा हीटर या कूलर होता है वो किस काम में आता है, तो अब मैं बताता हूँ कि वो किस काम में आता है। तो जो हमारा एयर वॉशर होता है उसका सारा काम उसी ऊपर से आने वाले पानी में जो नोज़ल से आता है उसी पे डिपेंड होता है। जैसे कि जो एयर इससे बाहर निकलेगी उसको अगर हमने ह्यूमिडिफाई, डीह्यूमिडिफाई या फिर ठंडा या गर्म करना है, वो सारा काम इसी पानी के ऊपर डिपेंड होता है, इसकी कंडीशन के ऊपर ये कितना ठंडा या गर्म है। तो जब इसका सारा काम उस वाटर पे डिपेंड होता है तो उस वाटर को कंडीशन करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम उस वाटर को अपने हिसाब से कंडीशन करने के लिए, गर्म या ठंडा रख करने के लिए हम उस वाटर हीटर या वाटर कूलर का सहारा लेते हैं। तो हमारी डक्ट से आई हुई फ्रेश एयर से हमारा जो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है वो रेड से ग्रे हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।